दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी इस क्लास के अंतर्गत अपन डिस्कस कर रहे हैं एक पॉइंट। वो पॉइंट थोड़ा देखो समझो दोस्तों। अभी करंट के अंतर्गत रिट फर्स्ट लेवल के अपने पास जो बेचे चल रहे हैं, उन रिट फर्स्ट लेवल के अंतर्गत जो डिजीज नाम से एक सिलेबस में टॉपिक डाल रखा है, उस डिजीज के टॉपिक के अंतर्गत जो उन्होंने सिलेबस में डाला है अपने आरपीसी ने, वो क्या डाल रहा है? एक तो डेंगू डाला है, एक मलेरिया डाला है, अमीबियसिस डाला है, प्लस पोलियो अभियान डाला है, पोलियो प्लस पोलियो अभियान डाला है, फ्लोरोसिस डाला है, आंत्रशोथ एनीमिया और मेड हीमोग्लोबिन। ये रिट फर्स्ट लेवल के 1 से 5 वाले क्लास के अंतर्गत जो टीचर्स बनते हैं उनके लिए सिलेबस के अंतर्गत एक यूनिट है। अभी अपन जो अपना आप YouTube के अंतर्गत हमारे जाकर के प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में 1 से 5 तक की क्लास के लिए सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट साइंस के सारे 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। वो सारे आपको कोई भी क्लास के पॉइंट टू पॉइंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में रिट फर्स्ट लेवल डालोगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट जो सिलेबस के डाल रखे हैं पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसमें एक टॉपिक आपका डिजीज का है। अब उसके अंतर्गत उन टॉपिकों के अंतर्गत डेंगू में डाल चुका हूँ, डेंगू में डाल चुका हूँ, मलेरिया डाल चुका हूँ पहले से, इसके बाद के अंतर्गत पोलियो भी डाल चुका हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ प्लस पोलियो अभियान है, ये प्लस पोलियो अभियान इसको थोड़ा वापस रिफ्रेश करते हैं और सारे के सारे पॉइंट आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे डिजीज के अंदर। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं इसके अंतर्गत प्लस पोलियो अभियान उठाते हैं, प्लस पोलियो अभियान। तो अपन बात करेंगे प्लस पोलियो अभियान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक अपना तीसरे नंबर का टॉपिक रहेगा प्लस पोलियो अभियान। आप देखो इसके अंतर्गत पोलियो के बारे में अपन बात करें, पोलियो तो पोलियो के बारे में वैसे मैंने आपको पूरा डिटेल से पहले पढ़ा चुका हूँ, 2 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ, आपको पूरा का पूरा पोलियो मिल जाएगा। अब प्लस पोलियो के बारे में, प्लस पोलियो का क्वेश्चन आता है कि पोलियो का वायरस कौन सा है, पोलियो का वायरस कौन सा है? पोलियो का वायरस कहलाता है फिल्टर वायरस। पोलियो के वायरस को क्या कहते हैं? फिल्टर वायरस है, फिल्टर वायरस। या पोलियो का जो वायरस है ये पोलियो का वायरस है पोलियोमाइलिटिस वायरस। कौन सा वायरस है? पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस वायरस है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पोलियो का विषाणु कौन सा है? पोलियोमाइलिटिस वायरस। मतलब पोलियो एक प्रकार का क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है। इस विषाणुजनित रोग का जो वायरस है पोलियोमाइलिटिस वायरस है। ये पोलियो वायरस कहाँ पर रहता है? दूषित जल के अंतर्गत, अर्थात मेनली जो पोलियो जो फैलता है वो किससे फैलता है? दूषित जल से फैलता है। अब कोई भी बच्चा होता है वो बच्चा पोलियो के वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, फिल्टर वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, अर्थात पोलियो के वायरस से जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो पोलियो के वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद के उसके अंदर शरीर में जाने के बाद में पोलियो का वायरस क्या करता है? पोलियो का वायरस के कारण उस बच्चे में इन्फेक्शन होने से तेज बुखार आता है और तेज बुखार आने के बाद में उसका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो का वायरस किसको खराब करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को खराब करता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में किसको खराब करता है? स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुरज्जु को। तो पोलियो में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु प्रभावित होता है। और मेरुरज्जु के अंतर्गत स्पेशली जो चालक तंत्रिका तंतु है, मोटर न्यूरॉन, चालक तंत्रिका तंतु, उनको नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? मोटर न्यूरॉन को नष्ट करता है। और मोटर न्यूरॉन कौन से? वो जो हाथ और पैर में जाते हैं, हाथ व पैर में जाते हैं, और हाथ और पैर में जाते हैं तो उनको खराब करता है। अब उनको खराब करता है तो हाथ और पैर की मांसपेशियों को क्या नहीं मिलता? पोषण नहीं मिलता, अर्थात मांसपेशी में पोषण की क्या हो जाती है? कमी होती है, मांसपेशी को पोषण नहीं मिल पाता। और मांसपेशी को पोषण की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, मांसपेशी में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इस कारण मांसपेशी क्या हो जाती है? कमजोर होती है, मांसपेशी कमजोर हो जाती है। और मांसपेशी कमजोर होने का मतलब क्या होता है? अपंग हो गया, अर्थात वो पार्ट सूना हो गया और वो पार्ट मूवमेंट नहीं कर रहा।
तो अब क्वेश्चन ही आता है कि पोलियो का वायरस किसको प्रेरित करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। पोलियो कौन से भाग को प्रेरित करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुरज्जु को। कौन से तंतु को नष्ट करता है? चालक तंतुओं को। कौन पोलियो किस में होता है? हाथ में भी हो सकता है, पैर में भी। पोलियो में कौन सा भाग कमजोर होता है? मांसपेशी। और लाइफ के लिए क्या हो जाता है? अपंग हो जाता है। अब देखो, पोलियो 220 कंट्रीज में फैल चुका था। पोलियो, पोलियो एक प्रकार की क्या होती है दोस्तों? पेंडेमिक डिजीज है, विश्व स्तर के ऊपर फैलने वाली डिजीज है। 220 कंट्रीज में फैल चुका था। आज पोलियो है सिर्फ प्रोग्राम, पोलियो प्रोग्राम, पोलियो का टीकाकरण, पोलियो की खुराक सिर्फ 4 कंट्रीज के अंदर पिला रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान और भारत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत कब पोलियो मुक्त हुआ था? प्रथम पोलियो मुक्त देश कौन सा था? क्यूबा, चीनी का कटोरा। प्रथम पोलियो मुक्त देश कौन सा था? क्यूबा। अमेरिका पोलियो मुक्त कब हुआ था? 1994 के अंतर्गत हुआ था। अमेरिका पोलियो मुक्त हुआ था 1994 के अंदर। भारत में पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम कब चलाया था? 1995 में चलाया था। पोलियो का नारा क्या है? दो बूंद जिंदगी की किसका नारा है? पोलियो को। कौन ऐड करता है? अमिताभ बच्चन। नारा किसने दिया था? डॉक्टर घोष ने। और कहां का रहने वाला था? जयपुर का। अब जो पोलियो है, ये जो पोलियो प्रोग्राम है, वो एक पेंडेमिक लेवल के ऊपर पूरा कंट्रोल कौन करता है? WHO कंट्रोल करता है। क्वेश्चन आया था कि पोलियो का प्रोग्राम का कंट्रोल कौन करता है? पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम कब चालू किया था? 1988 में चालू किया था पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम। और पोलियो के अंतर्गत क्या होता है? दो बूंद जिंदगी की है वो। इसके अंदर अपन बात करें, एक तो पोलियो का टीका है IPV इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन है, और एक क्या होता है? OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन है। यह है दो बुन जिंदगी के। और ये OPV दो बुन जिंदगी की खोज की थी 1961 के अंदर। और किसने की थी? 1961 के अंदर का सोबिन ने की थी। और जो ये टिक्का है वो 1955 के अंदर बनाया था। किसने बनाया था? साक ने बनाया था। तो पोलियो के वैक्सीन, ये दोनों मिलकर के वैक्सीन है, वैक्सीन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? साक व सोबिन ने की थी। पोलियो की दो ड्रॉप जिंदगी की किसने खोजी थी? सोबिन ने। कब? 1961 के अंदर। OPV जो ओरल राउट के थ्रू देते हैं। पोलियो की इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन किसने खोजा था? साक ने। कब? 1955 के अंदर। और इस प्रकार से ये इसको पोलियो का टिक्का कहते हैं, ये पोलियो का टिक्का है। देखो दोस्तों, एक तो क्या होता है? IPV होता है, एक क्या होता है? OPV होती है। IPV OPV, ये पोलियो का वायरस आज तक तीन रूप बदल चुका है। पोलियो का जो वायरस है, तीन रूप बदल चुका है। एक टाइप फर्स्ट, एक टाइप सेकंड, एक टाइप थर्ड है। कौन सा पोलियो का कौन सा रूप गायब हो चुका है? ये टाइप सेकंड गायब हो चुका है। संपूर्ण अर्थ से, पृथ्वी से, कौन सा पोलियो के वायरस का टाइप सेकंड रूप है वो गायब हो चुका है, अर्थात बाइवेलेंट बंद हो चुका है। बाइवेलेंट के स्थान पर क्या होता है? ट्राइवेलेंट चल रहा है। इस बार क्वेश्चन पूछा था RS के अंतर्गत कि पोलियो है, उस पोलियो का कौन सा टाइप गायब हो चुका है? कौन सा टाइप गायब हो चुका है? बाइवेलेंट गायब हो चुका है। और उसकी जगह ट्राइवेलेंट है वो वैक्सीनेशन इसके अंदर दे रहे हैं। IPV है, बच्चे को एक ही बार लगाते हैं, एक ही बार इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। कब देते हैं? जब OPV थर्ड देते हैं ना बच्चे को, तब बच्चे को IPV लगाते हैं। तो टिक्का तो वो तो एक ही बार दिया जाता है, ये बार बार दिया जाता है। पोलियो दिवस कब होता है? 24 अक्टूबर। पोलियो दिवस कब है? 24 अक्टूबर है पोलियो दिवस। तो क्वेश्चन आता है, देखो, प्रथम पोलियो मुक्त देश कौन सा था? क्यूबा। अमेरिका पोलियो मुक्त कब हुआ था? 1994 के अंतर्गत। भारत में पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम कब चलाया था? 1995 के अंतर्गत। पोलियो प्रोग्राम का पूरा कंट्रोल कौन करता है? WHO करता है। पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। पोलियो किस प्रकार की डिजीज है? पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक का मतलब विश्व लेवल के ऊपर होने वाली बीमारी है। पेंडेमिक डिजीज है, विश्व स्तर के ऊपर फैलने वाली बीमारी। पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम किसके पास है? WHO के पास। पोलियो में क्या चीज़ कमजोर होता है? मांसपेशी। पोलियो दिवस कब है? 24 अक्टूबर। और पोलियो में कौन सी डोज है जो एक ही बार देते हैं? IPV। पोलियो में कौन सी डोज है जो बार बार दी जाती है? OPV। पोलियो में ड्रॉप की खोज किसने की थी? सोबिन ने। कब? 1961 में। और इंजेक्शन की खोज किसने की थी? 1995 में साप ने। और वैक्सीन की खोज किसने की थी? साप और सोबिन ने। पोलियो का कौन सा रूप गायब हो चुका है? सेकंड रूप। पोलियो का वायरस का नाम क्या है? फिल्टर वायरस। कौन से भाग को प्रयोग करता है? तंत्रिका तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। कौन से स्पाइनल कॉर्ड को, कौन से तंत्र को नष्ट कर देता है? मोटर न्यूरॉन को नष्ट कर देता है। इस प्रकार दोस्तों, ये पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम
और पोलियो का जो टॉपिक था अपने रिस्ट फर्स्ट लेवल में वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अपन शुरू करते हैं इसका। अभी तक अपन डिस्कस कर चुके हैं रिट फर्स्ट लेवल के डिजीज वाले टॉपिक में से डेंगू कंप्लीट करा चुका हूं मैं, पोलियो कंप्लीट करा चुका हूं मैं आपको। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त हुआ था। 27 मार्च 2014 को भारत में पोलियो का अंतिम रोगी कब मिला था? 2011 के अंतर्गत लास्ट बार अलीगढ़ के अंदर मिला था। और पोलियो का एड कौन करता है? अमिताभ बच्चन ऐड करता है। इस प्रकार अभी तक अपन डिस्कस कर चुके हैं, डेंगू पटा चुका हूँ रिट फर्स्ट लेवल का, मलेरिया हो चुका है, पोलियो हो चुका है। इसके बाद के अंतर्गत अपन आगे वाला पॉइंट शुरू करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है मेट हीमोग्लोबिन। बहुत अच्छा टॉपिक है मेट हीमोग्लोबिन, या इसी को क्या कहते हैं, मिथेमोग्लोबिनिया। अपन देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मैट हीमोग्लोबिन है, मिथेमोग्लोबिन है क्या चीज़ है, क्योंकि ये नया टाइप का है, आज तक कम ही स्टूडेंट ने पढ़ चुके हैं। इसमें से ज़्यादातर आज एक ही क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से। या कौन से धातु की टॉक्सिडिटी से साइनोसिस होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है किसकी? कॉपर धातु की टॉक्सिडिटी से। बट अपने यहाँ रिट फर्स्ट लेवल के अंतर्गत इसको थोड़ा डिटेल से डाल रखा है, तो इसको देखो। अपनी बॉडी के अंतर्गत क्या होता है? ब्लड होता है, और ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, और आयरन हमेशा किस रूप में है? प्लस 2। अब देखो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का, उस व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत बाहर से वो कोई भी क्या ले रहा है, कोई ऑक्सीकारक ले रहा है, कोई ऑक्सीकारक का सेवन कर रहा है, ऑक्सीकारक। और इंडियन मार्केट में ऑक्सीकारक बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई भी चीज़ खाना खाता है तो रंजक युक्त लेता है, जैसे डाइस जा रही, या जैसे कोई परिरक्षक जा रहा है बाहर से, प्रिजर्वेंट जा रहा है, परिरक्षक डिब्बा पैकिंग मटेरियल का कुछ खा रहा है, या कोई भी व्यक्ति है कोई नाइट्रेट ले रहा है, किसी के थ्रू पानी में नाइट्रेट की दिक्कत जा रही है, या कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड जा रहा है, या कोई भी व्यक्ति दवाइयां ले रहा है। अब दवाइयां लेता है तो यहाँ Fe+2 किस में चला गया? Fe+3 में चला गया। देखो दोस्तों समझो, ये जनरली एक जंक फूड खाने के कारण होने वाली एक प्रकार की बीमारी है, जो पॉपुलेशन मोस्ट कॉमन है। आज इसके कारण ही भारत के अंतर्गत आज से ज़्यादा लोग हैं ओबेसिटी के शिकार हो गए जंक फूड के कारण। अब देखो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति के अंदर ब्लड है, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ये आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। देखो अपने दोस्तों, अपने शरीर के अंतर्गत एक हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन के कितने अणुओं को ले जाता है? 4 अणुओं को ले जाता है। एक हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं को ले जाता है? 8 परमाणुओं को ले जाता है। और एक अपना ग्राम HB होता है, 1 ग्राम HB, ये कितनी 1.34 ml O2 ले जाता है। और अपना जो 20 ml ऑक्सीजन ले जाता है अपने शरीर में। कुल मिलाकर के O2 CO2 के अंदर अपन बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर करने का मेन जो बड़ा काम है किसके पास है? RBC के पास है, हीमोग्लोबिन के पास है, आयरन के पास है अपनी बॉडी के अंदर। अब देखो कोई भी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर करने वाला अल्टीमेट कौन सा है? आयरन है। अब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से बाहर से जंक फूड ले रहा है, जैसे कोई ऑक्सीकारक ले रहा है, कोई डाई रंजक ले रहा है, कोई प्रिजर्वेंट ले रहा है, कोई नाइट्रेट ले रहा है, कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड ले रहा है, तो उसमें क्या होता है? Fe+2 किस में कन्वर्ट होता है? Fe+3 में। हीमोग्लोबिन में जब आयरन Fe+2 के बजाय Fe+3 में पाया जाता है, दिस इज नोन एज मैट हीमोग्लोबिन, या उसको क्या कहते हैं? मिथेमोग्लोबिन या कहते हैं। अब ये जो Fe+3 वाला हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसफर बहुत कम करता है, नगण्य करता है। और शरीर में जब ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं होता है तो शरीर के अंतर्गत क्या होती है? ATP कमी होती है, ऊर्जा कमी होती है, ऊर्जा कमी होती है तो क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। एक प्रकार का क्या हो गया? एनीमिया हो गया। अर्थात ऐसे एनीमिया क्या होता है? एक प्रकार का मैट हीमोग्लोबिन है, मिथेमोग्लोबिनिया कहलाता है।
अब मिथेमोग्लोबिन में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके कारण बॉडी का कलर चेंज होने लग जाता है, अर्थात शरीर का नीला पड़ने लग जाता है, ब्राउनिश नीला कलर, एकदम क्या होता है ब्लूविश कलर हो जाता है उसका, नीला पड़ना ज्यादा लग जाता है। छोटे बच्चों में हाथ पैर नीले पड़ने लग जाते हैं, चेहरा नीले पड़ने लग जाता है, लिप्स नीले पड़ने लग जाते हैं, अर्थात उसको अपन क्या कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। यह वो एक प्रकार का क्या होता है मेट हीमोग्लोबिन है। तो मेट हीमोग्लोबिन में क्वेश्चन होता है रियल में क्या चीज़ है, हीमोग्लोबिन के प्लस टू को प्लस थ्री में कन्वर्ट होना मेट हीमोग्लोबिन है। पानी में आपके लेवल में ज़्यादातर जो एग्जाम्स क्वेश्चन में पूछता है कि पानी में किसकी अधिकता से मिथेमोग्लोबिन या मेट हीमोग्लोबिन होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, नाइट्रेट की अधिकता से, कॉपर की टॉक्सिसिटी से, कोई भी बाहर से ऑक्सीकारक जाता है तो ये काम कर देता है, क्लियर है। इस कारण देखो कुल मिलाकर के मिथेमोग्लोबिन या मेट हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होता। अब ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसफर करने के लिए अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट अपने पास है कि या तो अपन वापस एक तो इसको इसमें लेके आए, तो अपने लिए इसको इसमें लाने के लिए क्या देना पड़ेगा कि कोई भी अपने को अपचैक देना पड़ता है, तो बाहर से अपचैक देते हैं और या एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, उसको फ्रेश जूस देते हैं, उसको स्पेशली विटामिन देते हैं, ए सी ई देते हैं, विटामिन सी देते हैं, एस्कोर्बिक एसिड देते हैं ताकि इसमें ट्रांसफर हो जाए। एक तो क्या होता है बाहर से कोई भी अपन अपचैक या एंटीऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीकारक है तो एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट देकर के उसको क्या किया जाता है मिथेमोग्लोबिन को सही किया जाता है। या अपने पास क्या होता है कि कोई भी पेशेंट है इमरजेंसी में तो उसकी डेथ भी हो सकती है ना, ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं होता, ब्रेन फेल हो सकता है, डेथ हो सकती है, इस कारण उसके अंतर्गत क्या होते हैं ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, उसको बाहर से कोई एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, देकर के उसकी बॉडी के अंतर्गत क्या होता है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर है जंक फूड खाने से, बाहर के कोई ऑक्सीडेंट काम लेने से, डाई रंजक नाइट्रेट इनके सेवन से, मेडिसिन के सेवन से एफ प्लस टू को प्लस थ्री में कन्वर्ट होना मेट हीमोग्लोबिन या मिथेमोग्लोबिन कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों मैं आपको बताता हूँ रिट फर्स्ट लेवल के अंतर्गत अपन पहले एक टॉपिक डाल चुके हैं डेंगू, दूसरा डाल चुके हैं मलेरिया, तीसरा डाल चुके हैं पोलियो और चौथा डाल चुके हैं मेट हीमोग्लोबिन। आगे की क्लास में डिजीज का जो रेस्ट पार्ट है वो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। आप हमारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में रिट लेवल एक से पांच तक की क्लास के लिए साइंस का पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल जाएगा उसके अंतर्गत। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट मैटर दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।